देखो, इस साल निसान कंपनी लगभग 2 से 3 SUV कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जिनको ऑलरेडी इंडियन मार्केट में रिवील किया जा चुका है। पहली है एक्सट्रेल, जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेगमेंट के अंदर आने वाली है। दूसरी है कशकई, जो कि टाटा हैरियर के साथ कम्पीट करेगी। और तीसरी है ज्यूक, जो कि क्रेटा सेल्टोस टाइगुन कुशक एस्टर के साथ कम्पीट करने वाली है। तो इन 3 SUV कारों को निसान की तरफ से बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि निसान कंपनी ज्यूक इस SUV कार को सबसे पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं ज्यूक के बारे में ही डिटेल में बात करूंगा, बाकी 2 कारों के ऊपर मैं अलग सा वीडियो जरूर लाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। निसान कंपनी ने इस कार को सबसे पहले 2010 में लॉन्च किया था, यानी इसका फर्स्ट जनरेशन मॉडल 2010 में आया था। उसके बाद 2019 में इसका सेकेंड जनरेशन मॉडल लॉन्च किया गया, और रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट मॉडल ग्लोबल मार्केट में लॉन्च चुका है, जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, तो इस कार के डायमेंशंस आपको क्रेटा के बराबर ही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ जगह पर ये क्रेटा को काफी ज्यादा मात दे देती है। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, तो ग्लोबल मार्केट में इस कार के अंदर 2 इंजन ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला है नॉर्मल पेट्रोल इंजन, और इस कार के अंदर आपको हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जब ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, तो इस कार के अंदर 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि लगभग 141 BHP की पावर आउटपुट निकाल लेता है। और इस कार के अंदर आपको हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो इस कार को इंडिया में 2 इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ उतारा जाएगा, और इस सेगमेंट के अंदर आज के डेट में सिर्फ ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर के अंदर आपको हाइब्रिड इंजन और CNG किट का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन निसान की ज्यूक के अंदर आपको बहुत जल्दी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसको इंडिया में कब लॉन्च किया जाना है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं इस कार के एक्सटर्नल लुक की बात करूं, तो ये कार फ्रंट से दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। स्पेशली इस कार के अंदर जो ड्यूल टोन कलर वाला मॉडल आता है, वो दिखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। इसका फ्रंट का लुक आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके फ्रंट फीशा में आपको LED DRL का सेटअप देखने को मिल जाएगा। LED हेडलैम्प का सेटअप ऑफर किया है, हालांकि ट्राई एरो शेप के साथ इस कार के अंदर हेडलैम्प का सेटअप दिया हुआ है, वो भी दिखने में थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है। वहां पर आपको नया डिजाइन देखने को मिल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कार के फ्रंट में आपको वी शेप के साथ एक काफी बड़ी क्रोम की लाइन देखने को मिल जाएगी। तो ये मेजर अट्रैक्शन वाला पार्ट आपको इस कार के फ्रंट लुक में देखने को मिल जाएगा, और इस वी शेप क्रोम के अंदर आपको ब्लैक कलर के साथ इसके फ्रंट के ग्रिल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल इस कार का फ्रंट का फीचर दिखने में थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है, लेकिन ये कार साइड से भी दिखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लगती है। इसके अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ब्लैक कलर के साथ इसके ORVMs आ जाते हैं। सर्कुलर शेप के साथ व्हील आर्च आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और इसके साइड में आपको क्लाइडिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो ये कार साइड से भी दिखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लगती है, लेकिन इस कार का रियर का फीचर वही दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। इसके रियर में आपको स्पॉइलर का ऑप्शन मिल जाएगा। LED टेल लाइट का सेटअप दिया है, जिसका डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और रियर में आपको वाइपर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और रियर में आपको पार्किंग सेंसर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि सेफ्टी के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस कार के लुक की बात करूं, तो ये कार दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, यानी इस कार का रोड प्रेजेंस भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अगर मैं इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करूं, तो निसान कंपनी ने इस कार का इंटीरियर काफी ज्यादा बेहतरीन रखा है। काफी नए फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। ये कार सिंगल टोन और ड्यूल टोन कलर के साथ आ जाती है। इसके अंदर आपको मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके साथ ड्राइवर के लिए छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया है। एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, जो कि अच्छी खासी बात है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर आपको मिलेगा। इस कार के अंदर आपको लेदर के सीट्स मिलने वाले हैं। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और भी ढेर सारे फीचर्स निसान की ज्यूक इस कार के इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। तो इस कार का इंटीरियर भी काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, और इस कार के इंटीरियर में आपको अच्छा खासा कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं, तो इस कार के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, ABS के साथ EBD, हील होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलेगा सभी व्हील्स के अंदर, और भी ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स आपको निसान की इस अपकमिंग कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है, निसान की ये कार क्रेटा सेल्टोस टाइगुन कुशक एस्टर ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर को टक्कर दे पाएगी कि नहीं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर मैं लॉन्चिंग की बात करूँ, तो निसान कंपनी इस कार को इस दिवाली के आसपास इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है, और इस कार की कीमत 9 या फिर 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। आपके हिसाब से इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अब भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।